परवेज इलाही वजारत आला के ओहदे पर बहाल, गवर्नर का डी नोटिफाई करना मौतल। लाहौर हाईकोर्ट ने तहरीरी फैसला जारी कर दिया। फैसले में लिखा है कि परवेज इलाही की असेंबली तहलील ना करने की यकीन दहानी पर गवर्नर के 19 और 22 दिसंबर के नोटिफिकेशन मौतल किए जाते हैं। गवर्नर के नोटिफिकेशन 11 जनवरी तक मौतल रहेंगे। अगर परवेज इलाही इस दौरान एतमाद का वोट लेना चाहें तो अदालत का ये हुक्म उन्हें नहीं रोकेगा। फैसले में लिखा है कि गवर्नर पंजाब के वकील ने यकीन दहानी कराई कि अगर परवेज इलाही एतमाद का वोट लेने की यकीन दहानी कराएं तो वो नोटिफिकेशन वापस लेने को तैयार हैं। परवेज इलाही के वकील ने जवाब दिया कि उन्हें गवर्नर की पेशकश तहरीरी तौर पर मिलेगी तो वो उसका जवाब देंगे। इमरान खान ने जुमे को पंजाब और केपी असेंबली तोड़ने का ऐलान कर रखा था। जुमेरात की रात गवर्नर पंजाब ने परवेज इलाही को बतौर वजीर आला डी नोटिफाई कर दिया, उनकी काबीना भी मुअत्तल कर दी। लाहौर हाईकोर्ट में परवेज इलाही की दरख्वास्त की समाअत अब 11 जनवरी को होगी। चेयरमैन बीडीआई इमरान खान का कहना है कि जनरल बाजवा ने सबको ट्रक की बत्ती के पीछे लगा रखा था। जनरल बाजवा से रابطہ रहता था, अब एस्टेब्लिशमेंट से कोई रابطہ नहीं। लाहौर में सीनियर सहाफ़ियों से गुफ्तगू करते हुए इमरान खान ने कहा कि जब जनरल बाजवा ने शहबाज शरीफ को जेल में फ़ोन करके मिजाज पुरसी की तो उनसे पूछा था कि आप ये क्या कर रहे हैं, शहबाज शरीफ की मिजाज पुरसी करनी है तो जेलों में कैद बाकी लोगों का क्या कसूर है। इमरान खान ने कहा कि एस्टेब्लिशमेंट एक हकीकत है, कानून की हुक्मरानी में वही किरदार अदा कर सकती है। एस्टेब्लिशमेंट में ऊपर बैठा शख्स ही सब कुछ होता है। हुकूमत इंतखाबात 2023 से आगे लेकर जाना चाहती है। मौआशी सूरतेहाल में इंतखाबात को आगे लेकर जाना मुमकिन नहीं। मईशत की यही सूरतेहाल रही तो फरवरी मार्च तक मुल्क डिफॉल्ट कर जाएगा। उन्हें बंद गली में धकेलने का मतलब मुल्क को बंद गली में धकेलना है। उनके खौफ के बायस नवाज शरीफ और आसिफ जरदारी इंतखाबात से राह फरार इख्तियार कर रहे हैं। पंजाब असेंबली का हंगामा खेज इजलास, हुकूमती और अपोजिशन अरकान की एक दूसरे के खिलाफ नारेबाजी, खवातीन अरकान भी पेश पेश, शोर शराबा। स्पीकर ने कहा कि आज राजपुताना जंग लग रही है। परवेज इलाही ने खिताब करते हुए कहा कि दुश्मन जो मर्जी कर ले, यह हुकूमत कायम रहेगी। पंजाब असेंबली में गवर्नर पंजाब के खिलाफ करारदाद मंजूर। करारदाद में कहा गया है कि गवर्नर ने 22 दिसंबर को वजीर आला और काबीना के खिलाफ इख्तियारा से तजावज़ किया, ऐवान का इस्तेहकाक मंजूर किया। सदर मुमलिकत फौरी तौर पर गवर्नर को मनसब से माजूल करने का एहतमाम करें। अपोजिशन गवर्नर पंजाब के खिलाफ करारदाद से पहले ऐवान से वॉकआउट कर गई। स्पीकर पंजाब असेंबली ने इजलास 26 दिसंबर दोपहर 2 बजे तक मुलतवी कर दिया। असेंबली के बाहर मीडिया से गुफ्तगू करते हुए नून लीग के राना मशहूद ने कहा कि वो चंद घंटों के मेहमान हुकूमत का दर्द समझ सकते हैं। अदालत ने परवेज इलाही की जानिब से अंडरटेकिंग का कहा तो उनके वकील बैरिस्टर अली जफर ने परवेज इलाही से फोन पर रابطہ किया। चौधरी परवेज इलाही ने अंडरटेकिंग लिखकर मोनिस इलाही के हवाले की। मोनिस इलाही, बैरिस्टर अली जफर और एडवोकेट जनरल पंजाब ने जमान पार्क लाहौर जाकर इमरान खान से मशवरा किया। इमरान खान की इजाजत के बाद मोनिस इलाही ने चौधरी परवेज इलाही की अंडरटेकिंग बैरिस्टर अली जफर के हवाले की, जो बैरिस्टर अली जफर ने लाहौर हाईकोर्ट में पढ़कर सुनाई। मोनिस इलाही ने मीडिया से गुफ्तगू करते हुए कहा कि अदालतों का एहतराम करते हैं। अदालत ने एतमाद के वोट का कहा है, जिस दिन एतमाद का वोट लेंगे असेंबली उसी वक्त तोड़ दें। ग्यारह तारीख से पहले ले लेंगे तो चाहिए होता है ना? जी यकीनी तौर पे, और उसके बाद फिर असेंबलियां जैसे इमरान खान साहब की हदायत है उसके मुताबिक असेंबलियां तोड़ दी जाएंगे। वज़ीर आला पंजाब परवेज इलाही 11 जनवरी से पहले एतमाद का वोट लेंगे और एतमाद का वोट लेते ही असेंबली तोड़ देंगे। काफ लीग के रहनुमा सेनेटर कामिल याका का जियो न्यूज़ के प्रोग्राम ने पाकिस्तान में इंटरव्यू, कहा कि 11 जनवरी की अगली अदालती समाअत से पहले परवेज इलाही एतमाद का वोट ले लेंगे। प्रोग्राम में आज शाहजेब खानजादा के साथ बात करते हुए कामिल याका ने कहा कि 11 जनवरी से पहले उनके बंदे पूरे हो जाएंगे। उन्होंने दावा किया कि वज़ीर आला को डी नोटिफाई करने के लिए चीफ सेक्रेटरी पर दबाव था। रात तक चीफ सेक्रेटरी की राय थी कि वज़ीर आला को हटाने का नोटिफिकेशन गैर आइनी होगा, फिर ज़रूर कोई दबाव आया जिसके बाद चीफ सेक्रेटरी ने नोटिफिकेशन पर दस्तखत कर दिए।
वज़ीर आज़म की मुआविन खुसूसी मलिक अहमद खान ने कहा है कि चौधरी परवेज़ इलाही के पास अक्सरियत नहीं है, अक्सरियत रखने के लिए उसका मुजाहरा भी करना पड़ता है। आज उनके पास मौका था कि असेंबली में अपनी 186 अरकान की अक्सरियत दिखा देते, मगर पूरी हुकूमती मशीनरी इस्तेमाल करने के बाद भी असेंबली में काफ लीग और पीटीआई के 169 अरकान थे। जियो न्यूज़ के प्रोग्राम आज शाहजेब खानजादा के साथ में गुफ्तगू करते हुए मलिक अहमद खान ने कहा कि जिन अरकान के बारे में कहा जा रहा है कि वो बैरून मुल्क हैं, तो अगर उन्हें भी मिला लिया जाए तो ये 173 बनते हैं, इसलिए परवेज इलाही 11 जनवरी तक भी एतमाद का वोट नहीं ले सकते। इस्लामाबाद में मशकूक टैक्सी की तलाशी के दौरान खुदकुश धमाका, हमलावर ने खुद को उड़ा लिया, एक पुलिस एहलकार शहीद, 6 जख्मी। खुदकुश हमलावर और टैक्सी ड्राइवर भी मारे गए। पुलिस हुकाम के मुताबिक मशकूक टैक्सी को रोककर तलाशी ली गई तो हमलावर ने धमाका कर दिया। पुलिस मोबाइल और वहां मौजूद दीगर कई गाड़ियां तबाह हो गईं। धमाके के वक्त की सीसीटीवी वीडियो भी सामने आ गई। इब्तदाई तहकीक के मुताबिक 12 से 15 किलो धमाका खेज मवाद इस्तेमाल किया गया। गाड़ी में बारूदी मवाद मौजूद नहीं था। हमलावर ने खुदकुश जैकेट पहन रखी थी। हमलावर ने टैक्सी किराए पर ली थी। तहकीकती टीमें टैक्सी ड्राइवर के बेटे तक पहुंच गईं। आईजी इस्लामाबाद के मुताबिक दहशतगर्द हजूम वाले मकामात पर पुलिस और शहरियों को निशाना बनाना चाहते थे। धमाके में हलाक ड्राइवर की शिनाख्त सज्जाद हैदर के नाम से हुई है। उसका लाइसेंस, शिनाख्ती कार्ड और गाड़ी के कागजात सिक्योरिटी इदारों को मिल गए। सेक्टर I-10 में मशकूक गाड़ी को तलाशी के लिए रोका। कांस्टेबल अदील ने ड्राइवर के बाद पिछली सीट पर बैठे शख्स की तरफ रुख किया तो धमाका हुआ। इस्लामाबाद खुदकुश धमाके का मुकदमा ईगल स्क्वाड के जख्मी कांस्टेबल की मुदय्यत में थाना CDD में दर्ज। FIR के मुताबिक गाड़ी में पिछली सीट पर लंबे बालों वाले शख्स की तरफ पुलिस एहलकार लपका तो जोरदार धमाका हुआ। अदील शदीद जख्मी हुआ और मौके पर ही दम तोड़ गया। 3 एहलकार और शहरी जख्मी हुए। धमाके से करीबी घरों के शीशे टूटे और खौफ हिरास फैला। दहशतगर्द हाई वैल्यू टारगेट को निशाना बनाना चाहते थे। बनू वाके के बाद हाई अलर्ट था। वफाकी वज़ीर दाखला राना सनाउल्लाह की जियो न्यूज़ से गुफ्तगू, कहा कि बारूद से भरी गाड़ी रावलपिंडी से इस्लामाबाद में दाखिल हुई। गाड़ी चकवाल के नंबर पर रजिस्टर्ड है। सेफ सिटी प्रोजेक्ट का साबिक हुकूमत ने 4 साल में कबाड़ा कर दिया। मौजूदा हुकूमत ने इस्लामाबाद में 4000 कैमरे लगाए हैं। KP से हुकूमत गायब है, सब जमान बाग में आकर बैठे हैं। वज़ीर दाखला का इस्लामाबाद पुलिस के शहीद अदील हुसैन को तमगा शुजात देने का ऐलान, कहा कि शहीद के बच्चों की तालीम और शादी के अखराजात सरकारी तौर पर अदा किए जाएंगे। आर्मी चीफ जनरल आसिम मुनीर ने कहा है कि पाक फौज दहशतगर्दों और उनके सहूलतकारों का गठजोड़ तोड़ेगी। पाक फौज की तवज्जो सिक्योरिटी सूरत हाल पर है। आर्मी चीफ ने शिमाली वजीरिस्तान और तरबेला के दौरे के मौके पर गुफ्तगू करते हुए कहा कि समाजी और इक्तसादी तरक्की के लिए पायदार अमन यकीनी बनाया जाएगा। पाक फौज मेहनत से हासिल किया गया अमन मजबूत बनाएगी। अमन कौम और कानून नाफिज करने वाले इदारों की कुर्बानियों से मुमकिन हुआ। आर्मी चीफ ने एलीट जरार कंपनी समेत SSG अफसरान और जवानों से मुलाकात की। कहा कि जवानों ने बनू सिटी CTD कॉम्प्लेक्स ऑपरेशन और एविएशन में बहादुरी से काम किया। रहनुमा तहरीक इंसाफ फवाद चौधरी का कहना है कि उन्हें चीफ सेक्रेटरी पंजाब ने बताया है कि उनसे ज़बरदस्ती नोटिफिकेशन पर दस्तखत कराए गए हैं। एक इंटरव्यू में फवाद चौधरी ने मजीद कहा कि 11 जनवरी से पहले एतमाद का वोट लेकर असेंबली तोड़ने का ऑप्शन मौजूद है। इससे पहले फवाद चौधरी कह चुके हैं कि PTI अदालत को दी गई अंडरटेकिंग से इतफाक नहीं करती। अंडरटेकिंग के तहत अगली तारीख तक असेंबली नहीं तोड़ी जाएगी। उन्होंने कहा कि असेंबलियाँ हर हाल में तोड़ी जानी चाहिए। वज़ीर दाखला राना सनाउल्लाह ने कहा है कि लाहौर हाई कोर्ट ने परवेज़ इलाही को अबूरी रिलीफ दिया है। असल फैसला 11 जनवरी को होगा, जब अदालत फैसला करेगी कि एक असेंबली इजलास के दौरान दूसरा ना बुला सकने का परवेज़ इलाही का मौकिफ दुरुस्त है या गवर्नर की बात ठीक है कि वो चीफ मिनिस्टर को जब चाहे एतमाद का वोट लेने का कह सकते हैं। जियो न्यूज़ के प्रोग्राम नया पाकिस्तान में बात करते हुए राना सनाउल्लाह ने कहा कि वज़ीर आला पंजाब को हर हाल में एतमाद का वोट लेना पड़ेगा। अगर वो अपने नंबर पूरे कर लेंगे तो असेंबली तोड़ दें, ना कर सके तो नया वज़ीर आला आएगा।
नून लीग ने वज़ीर आला पंजाब के खिलाफ तहरीक आदम एतमाद गैर मौसर होने पर वापस ले ली। पंजाब असम्बली के स्पीकर और डिप्टी स्पीकर के खिलाफ तहरीक आदम एतमाद वापस नहीं ली जाएगी। खैबर पख्तूनख्वा हुकूमत का जुमे को सूबाई असम्बली तहलील ना करने का फैसला। अभी तक असम्बली तोड़ने की एडवाइस भी तैयार नहीं की गई। वज़ीर आला महमूद खान का कहना है कि खैबर पख्तूनख्वा की असम्बली अभी तहलील नहीं कर रहे, इस बारे में इमरान खान के हुक्म का इंतजार है। इमरान खान ने जैसे ही हुक्म दिया गवर्नर को असम्बली तहलील करने की एडवाइस भेज देंगे। खैबर पख्तूनख्वा असेंबली के डिप्टी स्पीकर महमूद जान पर नामालूम अफराद की फायरिंग। डिप्टी स्पीकर महफूज रहे। महमूद जान का कहना है कि वो पिशावर में लाइफ स्टॉक से मुतालिक तकरीब में खिताब कर रहे थे, इस दौरान उन पर फायरिंग की गई। हमलावरों पर मुहाफिजों ने जवाबी फायरिंग की, हमलावर फरार हो गए। पुलिस हुकाम के मुताबिक वाकया दहशतगर्दी नहीं है। डिप्टी स्पीकर का जायदाद का तनाजा चल रहा है। चंद नौजवानों ने डिप्टी स्पीकर पर हवाई फायरिंग की, जिनकी तलाश शुरू कर दी है। इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने यूनियन काउंसिल्स की तादाद में इजाफे का हुकूमती फैसला मुस्तरद करने का इलेक्शन कमीशन का नोटिफिकेशन कालेदम करार दे दिया। इलेक्शन कमीशन को हुकूमत का मौकिफ सुनकर 27 दिसंबर को दोबारा फैसला करने का हुक्म। चीफ जस्टिस इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने रिमार्क्स दिए कि इक्तदार में कोई भी सियासी जमात हो, बल्दियाती इंतखाबात कराने में उनकी दिलचस्पी नहीं। ऐसा क्यों है ये कोई सियासी तजियाकार ही बेहतर बता सकता है। अगर 2020 में मुद्दत पूरी हुई तो उस वक्त इलेक्शन हो जाना चाहिए था। कभी कोरोना, कभी सैलाब, कभी सर्दी, कभी गर्मी, ये सब तो चलता रहता है। इलेक्शन कमीशन का कहना था कि इलेक्शन शेड्यूल के ऐलान के बाद हल्का बंदियों में तब्दीली हुई, आइंदा इलेक्शन बढ़ाए गए यूनियन काउंसिल पर हो जाएंगे। अभी इंतखाबात पुराने शेड्यूल के मुताबिक होंगे। सेनेट ने अपोजिशन के शोर शराबे के दौरान इस्लामाबाद में बल्दियाती हुकूमतों के कानून में तरमीम का बिल मंजूर कर लिया। सदर आरिफ अलवी ने सेनेट इजलास की समरी पर दस्तखत ना किए। चेयरमैन सेनेट सादिक संजानी ने हुकूमती रिक्वजिशन पर सेनेट का इजलास तलब किया। अपोजिशन सेनेटर्स ने चेयरमैन सेनेट के डायस का घेराव करके एहतजाज शुरू कर दिया। अपोजिशन ने एहतजाज ऐवान से वॉकआउट किया और कोरम की निशानदेही कर दी। ऐवान में घंटियाँ बजाई गईं, जिसके बाद दोबारा गिनती पर कोरम पूरा निकला। लाहौर की स्पेशल सेंट्रल कोर्ट और एहतसाब अदालत ने मनी लॉन्ड्रिंग केस में वजीर आजम शहबाज शरीफ के बेटे सुलेमान शहबाज की अबूरी जमानतें 7 जनवरी तक मंजूर कर ली। एहतसाब अदालत का सुलेमान शहबाज को शामिल तफ्तीश होने का हुक्म। एहतसाब अदालत ने 5 लाख रुपये और स्पेशल कोर्ट सेंट्रल ने 1 लाख रुपये के मचलकों के एवज अबूरी जमानत मंजूर की। खैबर पख्तूनख्वा में सरकारी और निजी कॉलेजेस में मौसम सरमा की तातीलात का ऐलान। सर्द इलाकों में मौसम सरमा की तातीलात 1 जनवरी से 15 फरवरी तक होंगी। मैदानी इलाकों में मौसम सरमा की छुट्टियां नहीं होंगी। इमरान खान की साबिक अहलिया रेहम खान ने तीसरी शादी कर ली। रेहम खान मिर्जा बिलाल बेग से रिश्ता इस्तेवाज में मुंसलिक हो गई। निकाह की तकरीब अमरीका में हुई। रेहम खान ने तस्वीर सोशल मीडिया पर शेयर कर दी। रेहम खान की पहली शादी एजाज रहमान से 1990 में हुई और 2005 में अलहदगी हो गई। रेहम खान की दूसरी शादी जनवरी 2015 में इमरान खान से हुई थी। अक्टूबर 2015 में दोनों की अलहदगी हो गई थी। अफगानिस्तान में लड़कियों की आला तालीम पर पाबंदी के खिलाफ एहतजाज तीसरे दिन भी जारी। काबुल यूनिवर्सिटी के प्रोफेसर ने फैसले पर एहतजाजन इस्तीफा दे दिया। मिस्र की जामे अजहर ने तालिबान के फैसले को गैर इस्लामी करार देकर फैसला वापस लेने का मुतालबा कर दिया। निगरा वजीर बराए आला तालीम निदा मोहम्मद नदीम ने कहा है कि पाबंदी जामियात में तलबा और तालबात के आजादाना मेल जोल के बायस लगाई गई। खवातीन के लिए मजहबी तालीम पर कोई पाबंदी नहीं है। दुनिया अफगानिस्तान के अंदरूनी मामलों में मुदाखलत ना करे। अल्लामा इकबाल की नज़्म लब पे आती है दुआ बनकर तमन्ना मेरी। स्कूल असम्बली में क्यों पढ़वाई? भारतीय महकमा तालीम और हिंदू इंतहा पसंद सीखवा हो गए।
भारतीय शहर बरेली के स्कूल की प्रिंसिपल नाहिद सदीकी और टीचर वजीरुद्दीन को मुअत्तल करके मुकदमा दर्ज कर लिया गया। मुकदमा भारतीय इंतहा पसंद तंजीम VSP के कारकुन सोमपाल सिंह की शिकायत पर दर्ज किया गया। मुकदमे में नज़्म के जरिए मजहब तब्दील करवाने का इल्ज़ाम भी लगाया गया, जबकि अल्लामा इकबाल की नज़्म सारे जहां से अच्छा हिंदुस्तान हमारा आज भी भारतीय तालीमी इदारों में शौक से पढ़ी जाती है। मक्का मुकरमा और गिरदोनवा में गरज चमक के साथ मूसलाधार बारिश, नशेबी इलाकों में सैलाबी सूरत हाल। आज सुबह शुरू होने वाली बारिशों से मक्का मुकरमा के कई शहराएं और मुजफाती इलाके जेरे आब, कई इलाकों में गाड़ियां सैलाबी रैले में बह गईं। न्यूयॉर्क एलिनॉय समेत अमरीका की कई रियासतों में बर्फबारी, जॉर्जिया नॉर्थ कैरोलिना और केंटकी में हंगामी हालत नाफिज। क्रिसमस की छुट्टियों के दौरान सफर करने वाले लाखों अफराद के लिए मुश्किल, हजारों परवाजें मनसूख या ताखिर का शिकार। दो दिन में अमेरिका भर में 4,500 परवाजें और सैकड़ों ट्रेनें मनसूख की गईं। अमेरिकी सदर बाइडेन का शहरियों पर मकामी हुकाम की वार्निंग पर अमल करने पर जोर। कनाडा के मशरकी हिस्से में भी बर्फबारी, टोरंटो एयरपोर्ट्स पर मुतअद्दिद परवाजें मनसूख या ताखिर का शिकार। न्यूजीलैंड क्रिकेट टीम की नेशनल बैंक क्रिकेट एडिलेड में प्रैक्टिस, खिलाड़ियों ने वार्म अप सेशन में फुटबॉल खेली। पाकिस्तानी टीम आज से तैयारियों का आगाज करेगी। दोनों टीमों के दरमियान टेस्ट 26 दिसंबर से खेला जाएगा। कीवी कोच गैरी स्टीड ने कहा है कि पाकिस्तान को उसके होम ग्राउंड पर आसान हरीफ नहीं समझते। कई खिलाड़ी पहली मर्तबा आए हैं और यहां आने पर खुश हैं। और अदाकारा उष्णा शाह को दुल्हा मिल गया। अदाकारा का सोशल मीडिया पर मंगनी का ऐलान, लिखा कि मुंडा सोना भी है ते चंगा भी, बिस्मिल्ला करिए। सोना मुंडा हमजा अमीन प्रोफेशनल गोल्फर है, दोनों खासे अरसे से दोस्त हैं। साथ ही फनकारों की मुबारकबाद।